ओम सतम पंडित साहब एकदम कर जाए हम कई दिनों अचंद सभी दिनों सफर तुम सब स्वाहा और दम हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज हमारे छोटू का नामकरण है, छोटा था हवन है, फैमिली वगैरह के लोग आ रहे हैं तो आज आपको दिखाते हैं हम लोग का नाम क्या रखा है। तो मैं भी तैयार हो गया हूँ नहा धो के, ये भी तैयार, तो अब आगे आपको हवन की सारी चीज़ें दिखाते हैं, नाम क्या रखेंगे वो रिवील करते हैं। अभी से मिलाते हैं सामग्री को, ये पूरा सेटअप चल रहा है हवन का पंडित जी। अरे अभी आम के पत्ते गेट पे बांधे जाएंगे, पंडित जी तैयार कर रहे हैं इसे। और ये सारी सामग्री मिल चुकी है, घी वगैरह सब चीज़ रेडी है, हवन की शुरुआत होने वाली है थोड़ी देर में। मैं चरणामृत बनवाया है, शहद घी दूध दही गंगाजल वगैरह सब मिला के। सारी पूजा हो चुकी है, फोन चालू होने वाला है, देखिए दूध पी पा के तो इधर कड़े देखो, कड़े पहने हैं चांदी के।
पंडित जी ने नाम निकाला है गर्वित, तो नाम रखा है पंडित जी से पंचांग पत्र जो भी देखते हो देख लिया, तो नाम निकला है बाबू का गर्वित। तो नाम तो अच्छा है गर्वित, घर का कुछ और रखेंगे, बाकी कागजों में गर्वित। ठीक है, सो भाइयों शाम के 7 बज गए हैं, मैं अब फ्री हूँ। तो कैसे रिश्तेदार बहुत सारे आ गए थे कथा में ही, फिर खाना केटरिंग वाला लेट हो गया थोड़ा सा, तो केटरिंग वाले को रास्ता वस्ता भटक गया, फिर लेके आया भागा दौड़ी बस अड्डे छोड़ के आया कुछ रिश्तेदारों को, इसमें ही 3-4 घंटे गर्मी में बहुत बुरा हाल हो। बाकी नाम आपको मैंने बता ही दिया, गर्वित निकला है, गर्वित रखा है हमने, गा से निकला था जा से निकला था और एक आधे पर बैठ और था, तो सब